हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन न्यू वीडियो। अभी ये जो वीडियो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए, जो यूएई के अंदर जो दुबई, अबू धाबी, शारजा में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। कि टॉपिक यही है कि यूएई के अंदर जॉब करने के क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या एडवांटेज रहेंगे अगर हम यूएई के अंदर जॉब करते हैं तो क्या एडवांटेज है, उसके रिगार्डिंग मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे बड़ा यहाँ का जो बेनिफिट्स है, वो एडवांटेज है, वो यही है कि यहाँ इजीली हम यहाँ पे अगर दुबई में, यूएई में अगर काम करने के बाद इजीली हम अदर कंट्री, यूरोप कंट्रियों में मूव कर सकते हैं। यहाँ का जो एक्सपीरियंस लेते हैं उसके बाद हम इजीली अदर जो यूरोप कंट्री हैं वहाँ पे मूव कर सकते हैं। यहाँ का एक्सपीरियंस वैलिड है। यहाँ अगर 2 ईयर्स काम करते हैं उसके बाद अगर यूरोप जाना चाहते हैं तो यहाँ से इजीली जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ का एक्सपीरियंस यूरोप कंट्रियों में वैलिड है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है, नर्सेस हो या डॉक्टर हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो या फार्मेसिस्ट हो या लैब टेक्नीशियन हो, एनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, उनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ 2 ईयर्स काम करने के बाद यूरोप के अंदर इजीली मूव कर सकते हो। दूसरा बेनिफिट ये रहेगा कि यहाँ पे जो सैलरी मिलता है एज ए नर्स को, डॉक्टर्स को, वो टैक्स फ्री रहता है। यहाँ टैक्स नहीं लगता है, यूएई के अंदर टैक्स नहीं लगता है, तो यहाँ टैक्स फ्री है सैलरी। और जो नर्सेस का स्पेशल मैं बता रहा हूँ, नर्सेस को यहाँ बेनिफिट ये है कि यहाँ पे जो एज ए जीएनएम नर्स होते हैं, जो असिस्टेंट नर्स होते हैं, उनका सैलरी भी अच्छा पैकेज रहता है यूएई के अंदर। 5000 समथिंग रहता है, 4500 से 5000 के लगभग सैलरी रहता है। इंडियन कैलकुलेट करेंगे तो 1,10,000 तक असिस्टेंट नर्स को सैलरी मिलता है। और जो रजिस्टर्ड नर्स होता है, जो बीएससी एमएससी नर्स होता है, उनको 5000 से 6000 एईडी सैलरी मिलता है। इंडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 1,30,000 के समथिंग सैलरी जाता है। वो अकॉर्डिंग डिपेंड करता है करेंसी पे, तो ये भी एक बेनिफिट है। यहाँ सैलरी पैकेज अच्छा है, यहाँ पे जो खर्चा है वो बहुत कम होता है, ज़्यादा खर्चा नहीं है यूएई के अंदर। और यूएई का तीसरा ये बेनिफिट ये भी है कि यूएई से, जैसे दुबई से, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी हम जा सकते हैं, यहाँ पर फ्लाइट ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए मिलेगा। जैसे इजीली अगर जाना हो, अगर बाकी कंट्रियों में क्या होता है कि फ्लाइट का शेड्यूल होता है, बहुत कम फ्लाइटें होती है। जैसे इंडिया और नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऐसे जाना हो तो यहाँ यूएई से, दुबई से बहुत फ्लाइटें हैं, तो यहाँ का जो ट्रेवल सिस्टम है वो भी बहुत ईजी है। ऑल ओवर वर्ल्ड में हम अगर यूरोप में भी अगर मूव करना हो तो हम यहाँ दुबई से ईजीली मूव कर सकते, क्योंकि दुबई में जो फ्लाइट है वो बहुत ज़्यादा है, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए सबसे ज़्यादा फ्लाइट यहीं से जाता है, तो इजीली हम जा सकते हैं। अगर किसी को कोई इमरजेंसी हुआ, अगर हम वापस होम कंट्री जाना हो तो यहाँ दुबई से एनी टाइम उनको फ्लाइट मिलता है, क्योंकि दुबई है, अबू धाबी है, रासल खेमा है एंड शारजा है, वहाँ से फ्लाइट मिल जाता है, इसीलिए एवरी टाइम अवेलेबल रहती है फ्लाइट है। तो सबसे बड़ा ये भी है। यहाँ का फूड है वो भी अच्छा है, यूएई का फूड एनवायरमेंट भी बहुत अच्छा है। विजिट, ये टूरिस्ट प्लेस है यूएई दुबई, तो वहाँ पे ये टूरिस्ट प्लेस होने के लिए यहाँ पे नर्सेस का रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होता है। जितने टूरिस्ट आते हैं वो कुछ भी, हर एक जो टूरिस्ट प्लेस होता है वहाँ पे मेडिकल सेंटर होता है, तो वहाँ पे नर्सेस रिक्वायर होते हैं, डॉक्टर भी रिक्वायर होते हैं, इसलिए नर्सेस का यहाँ डिमांड ज़्यादा होता है। इनका यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, यहाँ का फूड है वो भी अच्छा है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा बेनिफिट यूएई का यही है दुबई का, अगर हम यहाँ दुबई में काम कर रहे हैं उसके बाद अगर हम होम कंट्री चले जाते हैं कोई काम से, कोई कारण से अगर हम वापस नहीं आ पा रहे हैं 6 महीने तक, और हमारा वीज़ा लगा हुआ है यहाँ पे इस कंट्री का किसी भी फैसिलिटी के अंडर में, तो हम 6 महीने तक अपना होम कंट्री में रह के वापस आ सकते हैं। विथिन 6 मंथ का यहाँ गैप मिलता है होम कंट्री में रहने के लिए, अदर कंट्री में ऐसा नहीं होता है। इस यूएई कंट्री में ये है कि 6 महीने तक हम अपनी होम कंट्री में रह सकते हैं। 6 महीने के अंदर जैसे 5 दिन या 1 दिन भी पहले हम वापस आके एंट्री करेंगे तो हमारा वैलिड रहेगा वीज़ा, वीज़ा एक्सपायर नहीं होएगा। अगर 6 महीने से 1 दिन भी ऊपर हो जाता है तो वीज़ा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि हम 6 महीने तक अपने होम कंट्री में रह सकते हैं यहाँ का वीज़ा लगने के बाद कोई भी फैसिलिटी के अंडर में, तो ये यहाँ पे एक अच्छा फैसिलिटी है। दूसरा ये है कि अगर कोई नर्सेस या डॉक्टर्स है तो उनका जो चिल्ड्रेंस है ना, उनको अलाउंस भी मिलता है, एजुकेशन अलाउंस मिलता है, यूएई गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाता है उनको यूएई अलाउंस भी। यूएई जो गवर्नमेंट है वो चिल्ड्रेंस के लिए एजुकेशनल
अलाउंस भी देती है, ये भी यहाँ का सबसे बड़ा बेनिफिट है। सो थैंक यू गाइज़।